हेलो स्टूडेंट, तो ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड का एच पार्ट जो पिछली बार वीडियो बनाते हुए छूट गया था। तो ये क्वेश्चन देख लो जरा। यहाँ पे लिखा है वाई टू द पावर 4 वाई स्क्वायर माइनस वाई एंड वाई क्यूब। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कॉमन मिलेगा, वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे अंदर बचेगा वाई स्क्वायर माइनस वन। यहाँ पे क्या कॉमन मिलेगा, वाई कॉमन मिलेगा। अच्छा, जब हमने वाई कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा वन, ठीक, और अंदर बचेगा वाई स्क्वायर। अब तुम ध्यान देना, जब हमने यहाँ पे माइनस का वाई कॉमन लिया है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। ये जो प्लस का वाई क्यूब है ये माइनस में चेंज हो जाएगा। ये जो प्लस का साइन है यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, माइनस का वाई कॉमन लिया है, ठीक है ना। ये टेक्निकल बातें होती हैं, काफ़ी लेट में बच्चों को समझ में आती हैं। तो ये जो पॉइंट है इस पे बड़ा ही गौर करके ध्यान देना कि हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस का वाई कॉमन लिया। तो जब माइनस का वाई कॉमन लोगे, ठीक, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, वन बचेगा। लेकिन इनके पास क्या था, वाई क्यूब था ना। तो हमने एक वाई निकाला है तो अंदर वाई स्क्वायर तो बचेगा ही, लेकिन साइन अभी किसका था, प्लस का, ठीक। लेकिन हमने क्या कॉमन लिया, माइनस का साइन कॉमन लिया। तो हम जब माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। अभी ये प्लस का था तो अब ये हो गया माइनस का। केवल ये बात ध्यान रखने वाली है और कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखो, दोनों ब्रैकेट सेम नहीं दिख रहे हैं। फिर मैंने अभी लास्ट टाइम में इस वाले क्वेश्चन में जो मैंने बताया था, वही वाली बात मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो वाई ऐसे रहेगा, इस प्लेस चेंज कर दो इनका। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वन। इसको इधर ले आए, इसको इधर ले गए। तो मैंने फिर क्या बताया कि अगर तुम प्लेस चेंज करते हो तो क्या फ़र्क पड़ता, बाहर जो लिखा होता है ना ब्रैकेट के, उसका साइन चेंज हो जाता। यहाँ पे लिखा माइनस वाई, ये हो जाएगा प्लस का। बात समझ में आई, अब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, ठीक है ना। अब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो अब क्या होगा, अब हम टोटल कॉमन ले लेंगे वाई स्क्वायर माइनस वन, ठीक। तो अंदर बचेगा यहाँ पे बचेगा वाई स्क्वायर और यहाँ बचेगा वाई, ठीक। अब ये जो है ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई माइनस वन एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा वाई प्लस वन, ठीक। और यहाँ इन दोनों के पास वाई है तो एक वाई हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा वाई प्लस वन, ठीक है ना। तो ऐसे लिखा जा सकता है इसको, ठीक है ना। बात समझ में आ रही, या हम ऐसे लिख लें और करके, ये वाई पहले लिख लें, ठीक, और वाई माइनस वन और ये वाई प्लस वन, ये दोनों ब्रैकेट सेम हैं, ठीक। तो इनकी पावर 2 कर सकते हैं, किसी भी तरीके से करो, सारे आंसर सही हैं, ठीक है ना। तो मिलाने मत बैठ जाना, कहना कि सर पीछे जैसा आंसर में नहीं आ रहा वैसा नहीं आ रहा, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं, ये भी सही है वो भी सही है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देख रहे हैं कि ये दोनों ब्रैकेट क्या हैं, सेम हैं। तो इसको एज एक्स ट्रीट करो। मान लीजिए लिखा हो एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखा हो, ठीक। तो क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो लाइक टर्म्स हैं जब, तो ये छोटा नंबर ये बड़ा नंबर है, तो छोटा नंबर बड़े नंबर में से घट जाएगा, साइन किसका है, बड़े वाले नंबर का। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, ये 1a+3 का होल स्क्वायर है, ये 2a+3 का होल स्क्वायर है। ये तुम ऐसा कहो कि मान लीजिए हमने a+3 का होल स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 2, ठीक। और तुम्हें पता है कि a+3, ठीक, 1 में से 2 जब जाएगा तो क्या बचेगा, -1, और जब -1 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस शुरुआत में ही आ जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा -a+3। सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर लगाना भूल गए, ये तो आंसर में आएगा ये, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी देखो बेटा, ऐसे ही है। यहाँ पे क्या हुआ है, ये 5 2x+y है और यहाँ पे 7a 2x+y है।
दोनों में से हमें 2x+y ब्रैकेट कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर भी ये ब्रैकेट, यहाँ पर भी ये ब्रैकेट, तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ पे बचेगा 7a। ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर भी हमें ये वाला ब्रैकेट कॉमन मिल रहा है, ये वाला ब्रैकेट कॉमन मिल रहा है, ठीक। लेकिन एक चीज़ और मिल रही है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 25 है, यहाँ पे a है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो हमें देखा जाए तो 5 कॉमन मिलेगा, ठीक है ना भाई। 25 और 5 का एचसीएफ क्या आएगा, 5। यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए है, तो हमें ए भी कॉमन मिल जाएगा और साथ में ये ब्रैकेट भी कॉमन मिल जाएगा, x²-7। तो अब देखो कि इनके पास बचा क्या, यहाँ पे हमने 5 कॉमन लिया, तो 5 5 जा 25 होता, तो यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, इनके पास 2a थे, है ना, ए की पावर 2 है ना, तो यहाँ पे 1a बचेगा यहाँ पे, ठीक। तो हमारा आंसर ये आएगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में देखो बेटा, इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले तो इसकी मल्टीप्लाई कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, x²+ इसकी मल्टीप्लाई कर लो तो xy हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, फिर इन दोनों में से कॉमन लो और इन दोनों में से कॉमन लो, यहाँ पे xy कॉमन मिलेगा, ठीक। xy यहाँ पे xy कॉमन मिलेगा, कैमरा बार बार हिल रहा तो सही फोकस नहीं बन रहा, हाँ तो xy कॉमन मिल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा y और यहाँ बचेगा 1, ठीक। यहाँ पे इन दोनों के पास में कुछ भी कॉमन देने को नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन ना देने को हो तो 1 तो कॉमन होता ही है, और हम देख रहे हैं दोनों के पास माइनस है, तो इसलिए हमने माइनस का कॉमन ले लिया, तो अंदर अब साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा प्लस का वाई और यहाँ बचेगा प्लस का 1। अब हम देख रहे हैं इनके पास भी y+1 है और इनके पास भी y+1 है, तो y+1 दोनों से हमने कॉमन ले लिया, तो हमारा ये बचेगा xy, यहाँ पे बचेगा xy और यहाँ पे बचेगा माइनस का 1, ठीक है, ये कॉमन मिल जाएगा हमें, ठीक है बेटा। उसके बाद में अब हम इस पे देखते हैं बेटा, इसमें देखो, अगर हम यहाँ से इन दोनों में से अगर हम यहाँ से m² कॉमन ले लें, तो यहाँ बचेगा m-13, ठीक। यहाँ पे इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन माना जाता है बेटा, तो अंदर बचेगा m-13, ठीक ठीक है। अब देखो इनके पास भी m-13 है और इनके पास भी m-13 है, तो m-13 कॉमन ले लो, तो अंदर बचा m²+1, ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद इस वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे इसमें और इसमें कॉमन ढूंढो, यहाँ पे l कॉमन होगा, तो यहाँ बचेगा l-a, यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ इनके पास भी b है, इनके पास भी b है, तो हमने माइनस का b कॉमन ले लिया, तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये बचेगा यहाँ पे प्लस का l और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का a। अब दोनों में से दोनों जगह हमें क्या मिल रहा है, l-a कॉमन मिल रहा है ब्रैकेट, तो l-a हमने कॉमन ले लिया, तो बचेगा l-b, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे क्या है, y-3 की पावर 2 और यहाँ पे y-3, यानी कि हमें पूरा का पूरा एक ब्रैकेट कॉमन मिल रहा है, ठीक। लेकिन हमने यहाँ पे तो दो ब्रैकेट थे, मतलब पावर में 2 है, तो यहाँ पे y-3 बचा होगा और यहाँ पे क्या बचा होगा, यहाँ पे अभी तुम इसको ब्रैकेट में लिख लो, यहाँ पे माइनस का 19 बचा हुआ है, ठीक। तो y-3 इसको ऐसे लिखा, अंदर इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, y-3 और ये माइनस का 19, तो सॉल्व करेंगे तो y-3, ठीक, अंदर ये दोनों क्या है, नेगेटिव नेगेटिव है, मतलब सेम साइन के हैं, तो आपस में ऐड हो जाएंगे, तो कितना बचेगा, कितना हो जाएगा 22, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, a-5 दोनों से कॉमन ले लेंगे, ठीक, तो यहाँ बचेगा 1, भाई हमने पूरा का पूरा ब्रैकेट उठा लिया, तो यहाँ पे बचेगा कुछ भी नहीं बचेगा, और जहाँ पर कुछ नहीं बचता वहाँ पे 1 बचता है, ठीक, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का a-5,
ध्यान देते रहना, ठीक है ना। इनके पास दो ब्रैकेट थे ना, मतलब पावर में टू है ना, तो एक ब्रैकेट उठाया तो अभी भी हमारे पास इनके पास ए माइनस फाइव बचा हुआ है। अब अंदर इसको ज़रा सॉल्व करो, तो यहाँ पे वन माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे बाहर माइनस का साइन है, तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस और ये प्लस का है तो माइनस प्लस, माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। तो अब देखो ये अंदर ए माइनस फाइव और अंदर ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो हम लिख सकते हैं सिक्स माइनस ए, ठीक। मतलब दोनों ही प्लस के नंबर हैं इसलिए हमने इनको जोड़ दिया, ऐड कर दिया, ठीक। अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, बी एक्स प्लस ए वाई और ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है ना। मतलब अभी इस देखें ऐसे सिंपल तो हमें कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा, ठीक है ना। ये बी एक्स है, ये बी वाई है, ये ए एक्स है, ये ए वाई है, तो हम क्या करें, पहले इसको ओपन कर दें ब्रैकेट को, ठीक। ये तो ओपन हो जाएगा सिंपल, क्योंकि बाहर प्लस का साइन है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ माइनस है, तो जब माइनस वाले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, जिस ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है जब ओपन करते हो, तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, ये हो जाएगा माइनस का ए एक्स और ये हो जाएगा माइनस का बी वाई। अब हम ऐसा करें कि ए एक्स और बी एक्स लाइक टर्म्स पास पास रख लें, तो बी एक्स और ए एक्स को पास पास रख लिया और ए वाई को, ये ए बना हुआ है ठीक, ए वाई को और माइनस के बी वाई को पास पास रख लें। अब जब हम इनमें कॉमन ढूंढेंगे तो हमें आसानी से मिल जाएंगे, यहाँ पे कॉमन मिलेगा एक्स तो अंदर बचेगा बी माइनस ए, यहाँ पे हम कॉमन लेंगे वाई तो यहाँ बचेगा ए माइनस बी, ठीक। अब क्या है बेटा, मैंने मैंने कहा था कि देखो बेटा दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है, ठीक। यहाँ पे बी माइनस ए है, किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, तो हम इसको ही चेंज कर लेते हैं, ठीक। इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, बी माइनस ए कर दो, तो यहाँ जो प्लस का साइन है वो हो जाएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि हमने इसको इंटरचेंज कर दिया है, ए की जगह पे बी और बी की जगह पे ए रख दिया है। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, ठीक। तो अब कॉमन ले लो तो बी माइनस ए कॉमन मिलेगा और अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है, तो हमारा आंसर ये आएगा, ठीक है। और अगर हम ए माइनस बी रखना चाहें तो बाहर माइनस आएगा, ठीक। और में अगर मान लीजिए तुम रखना चाहते हो कि अंदर हम ए माइनस बी रखें, तो फिर इस टाइप का आंसर सही होगा ये, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो क्या कॉमन हो सकता है अंदर, यहाँ पे देखो यहाँ 15 कॉमन मिल रहा है, तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर और माइनस थ्री, और ये एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, यहाँ पर हमने इन इन दोनों नंबरों में से कॉमन लिया है 15 को, तो जब 15 कॉमन लेंगे तो 15 यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ 15 थ्री जा 45 होता है। तो अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री कॉमन ले लें, तो जब हमने एक्स स्क्वायर माइनस थ्री कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 15 और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो यहाँ बचा माइनस वन, मतलब वन बचेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 14, 15 माइनस वन क्या होता है 14, तो आंसर में आ जाएगा 14 एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। अच्छा सब में ये इक्वल टू का साइन लगा होता है जो हम नहीं लगा रहे हैं, तुम्हें लगाते हुए चलना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए एक्स माइनस टेन और यहाँ पे लिखा हुआ है 10 माइनस एक्स, तो हम क्या करेंगे बेटा, एक्स को इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो एक्स माइनस टेन कर देंगे ताकि ये दोनों ब्रैकेट सेम हो जाए। जब हमने ये किया, एक्स को इसकी जगह पे और टेन को इसकी जगह पे ले गए, तो ये जो बाहर प्लस का साइन है ये माइनस का हो जाएगा, ठीक। इसी को दूसरी भाषा में कहें कि ब्रैकेट के अंदर हमने क्या किया है, माइनस का कॉमन ले लिया है, तो जब हम ब्रैकेट के अंदर माइनस कॉमन लेकर के बाहर आएंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। अब दोनों ब्रैकेट सेम जैसे हो गए हैं, तो एक्स माइनस टेन हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ बचेगा ए माइनस बी, ये हो गया बेटा, ठीक है।
और हाँ, अब ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई तुम्हारी, ठीक है।